खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां हमारे नुमाइंदे काजी अमीन के मुताबिक अब्दुल रहीम सुमरो नए हेस्को चीफ मुकर्रर कर दिए गए। ताजरान अनाज मंडी इमरान मेमन, आबिद अराई, सईद सुमरो, शानदार रिंद और काजी अमीन की जानिब से हेस्को चीफ को मुबारकबाद पेश की गई और फूलों के हार पहनाए गए। सिनका रिवायती तोहफा अजरक और टोपी भी पेश की गई। इस मौके पर HP न्यूज से बात करते हुए कहा कि बिजली की लोड शेडिंग, अकबरी ग्राउंड के मुतासरीन को मुआवजा और डिडक्शन बिलों की शिकायत पर फौरी तवज्जो दी जाएगी और आवाम को बिजली की फरहमी बिला तातुल फराम की जाएगी। इन्होंने स्कूल टाइमिंग में बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे की यकीन दहानी कराई। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद के डायरेक्टर न्यूज काजी अमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरी पहले दिन से यही कोशिश है कि आवाम को जिस तरह भी हो सकता है जितनी ज़्यादा सहूलत दी जा सकती है उनको मुहैया की जाए। इस सिलसिले में कल हमने जिसमें आवाम के मसाइल हल करने के लिए ताकि उनको आसानी से उनके घर तक जो है ना इंसाफ पहुंचाया जाए, कोशिश की। तकरीबन 50 के करीब कल हमें जो है ना कंप्लेंट्स रिसीव हुई, जिसमें से 40 हमने मौके पर हल कर दी और 10 के लिए हमने जो है ना वो अहकाम जारी किए जो कंसर्न अफसरान हैं, फील्ड अफसरान, ताकि उनका भी जो है ना वो फौरी तौर पे हल कर दें। अच्छा, एक वाकया यहाँ 8 नंबर में हुआ था ट्रांसफार्मर गिरने का, जिससे कि लोग फटा था तो लोग हलाक हुए थे, उनके लिए कोई माली इमदाद हो चुकी है या? लिए भी जो है ना वो हमारे बोर्ड ने कुछ जो है ना रकम जो है ना मंजूर की हुई है और कुछ लोगों को तो चेक भी मिल चुके हैं, उनको रिलीफ भी दिया गया है। तो आइंदा के लिए भी जो है ना इस वाक़ात को जो है ना ख़त्म करने के सदबाब करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अपने अफसरान को कहा गया है कि जहाँ जहाँ पे भी ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर हैं वहाँ जो है ना ऑगमेंटेशन करें और एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाएं ताकि इस तरह के वाक़ात रोनमा न हो। वालेकुम सलाम, इमरान मेमन, ताजिर अनाज मंडी। माशाल्लाह आज CEO साहब से माशाल्लाह बहुत अच्छी मीटिंग हुई, जिसमें मामला लोड शेडिंग डिडक्शन और इसके अलावा माशाल्लाह रहीम सुमरो साहब अवामी नुमाइंदे हैं, इनकी इखलाक मोहब्बत माशाल्लाह बहुत अच्छी है, हर लोगों से माशाल्लाह अच्छी तरह मिलते हैं और मेन वजह ये मेन चीज़ ये रहीम सुमरो साहब की हर इंसान का फ़ोन अटेंड करते हैं माशाल्लाह, दिनों रात हो माशाल्लाह अवाम की खिदमत करते हैं। और कल जिस तरह इन्होंने खुली कचहरी लगाई है लोगों को बड़ा रिलीफ मिला इसके लिए, और आइंदा भी इंशाल्लाह सुमरो साहब ये मामलात और ये खुली कचहरियाँ इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह खैर, ये सुमरो साहब जब से आए इंशाल्लाह ये मामला जल्द लोगों के हल होंगे इंशाल्लाह। देखा कि नए CEO साहब सुमरो साहब यहाँ आए हैं और उनके इरादे बहुत ही अच्छे हैं आवाम के लिए, और यकीनन ये एक खुशखबरी से कम नहीं है कि सुमरो साहब यहाँ पर आए और वो एक अच्छा इरादा लेकर आए हैं और लोगों के मसाइल हल करने के लिए आए हैं। जैसा कि आपने सुना कि वो डिडक्शन के हवाले से या ट्रांसफार्मर जो धमाके से फटा था 8 नंबर में, उस हवाले से उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह उनके तमाम मसाइल को हल किया जाएगा और इस सिलसिले में कुछ लोगों को चेक मिल चुके हैं और कुछ को चेक की तैयारी की जा रही है। इसी तरह से जो लोड शेडिंग की टाइमिंग है स्कूल अवकात में, उसके लिए भी उन्होंने वादा किया है कि इंशाल्लाह ताला उसको दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि तुलबा तालबात और असातिज़ा जो है वक्त पर ड्यूटी जा सकें और तालीम हासिल कर सकें। कैमरामैन वारिस जतोई के साथ काजी अमीनुद्दीन, HP लाइव TV हैदराबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।